दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज इस भारत सरकार के खिलाफ भारत के सैनिक और पंडित हमारे एकजुट होकर आवाज़ उठा रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आप भी देखिए इस वीडियो को, कितने तनज और गुस्से के साथ ये हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के रखवाले, हमारे देश के हिफाजत करने वाले भारत देश को लेकर कितने गुस्से में हैं कि देश हमारा मुल्क हिंदुस्तान कैसी स्थिति में पहुंच गया है कि हमारे सैनिकों को आवाज़ उठानी पड़ रही है। आप खुद देखिए इस वीडियो को, फैला दीजिए पूरे देश में, हड़कंप मचना चाहिए। आज जो इलेक्शन कमीशन पूरे गांव-गांव में बैनर लगा रहा है, दिखा रहा है कि ये बैनर लगा के ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं है, फलाना है, ठीक चुनाव है। दौर की गाड़ी में तिनका थोड़ी देर पहले गोपाल जी ने कहा था, अगर तुम्हारी मशीन ठीक है तो तुम्हारी 15 लाख मशीन कहाँ है? वो 15 लाख हमें मशीन दिखाओ, तुम दिखाओ तुम्हारी मशीनें कितनी आई है। अरे चोरा, शर्म करो, डूब मरो। प्यारे देशवासियों, हाथ जोड़ के विनती है, तूफान मचा दो। 1 महीना बचा है, फौजी आपके साथ है, पूरे हिंदुस्तान की सेना ने बेल्ट कस लिया, बेल्ट कसा हुआ है, क्योंकि आपसे हम आ चुके हैं। अब देश के जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम पूरे देश के अंदर जितने भी सैनिक हैं, इसको पारदर्शिता से ईवीएम मशीन को हटाएंगे, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएंगे। भारत बचाओ, भारत बचाओ, भारत तो देखा आपने कि संत समाज और देश के सैनिक किस कदर गुस्से में हैं ईवीएम को लेकर। आप भी अपनी राय ज़रूर पेश करें कमेंट बॉक्स में कि आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहते हैं, ईवीएम के मुतालिक आपका क्या ख्याल है। आप भी अपनी राय पेश करें।